देखिए, अब हम सेकंड लेक्चर आज का स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपका 14 तारीख को पेपर होने जा रहा है बोर्ड का, उसके लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन हम करवाएंगे पूरे चैप्टर सॉलिड स्टेट के, और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। अगर आप इनको कर जाते हैं तो आपको और क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको 10 से 15 न्यूमेरिकल के अंदर पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। देखिए, पहले हम इसको टाइप में कन्वर्ट कर देती। टाइप 1, आपको मालूम है ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल होता है क्या? 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये यूनिट सेल है ना। तो इसमें कॉर्नर कितने? 8। फेस कितने? 6। और बॉडी का सेंटर कितना? 1। तो नंबर ऑफ एटम निकालने हो अगर यूनिट सेल में, तो ये इसका रेडीमेड फार्मूला है। तो पहले क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी के ऊपर बनेंगे, और ये है एजेस। कॉर्नर में कितने एटम है? 8। फेस पे कितने हैं? 6। बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे कितना? 1। और जो एजेस हैं इस टाइप से, एजेस, इन पर मिला के हैं 12। ये आप फार्मूला याद रखिए। जेड क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं उसका ये फार्मूला है। इससे न्यूमेरिकल कैसे निकलते हैं उन पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन इसके ऊपर हर बार आता है, लिख लो। देखिए, क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी, इससे बना हुआ है एक कंपाउंड है ना, इन आ क्यूबिक अरेंजमेंट अरेंजमेंट इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर एंड बी एटम एट द फेस सेंटर, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। देखो, ए एटम तो कॉर्नर में, तो कॉर्नर में कितने होते हैं? 8। तो ए हो गया ये, ए कॉर्नर में 8 होते हैं, तो ये 1 आ गया। और बी एटम फेस पर है, तो फेस पे कितने होते हैं? 6। तो बी एटम यहां पर है फेस पर, तो बी एटम फेस पर होते हैं 6। तो A1 आ रहा है, B3 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया AB3। अगर वो इसी क्वेश्चन में कह देता कि A तो कॉर्नर में और ये BCC बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर, तो आप ये लगा देते। कॉर्नर में तो 8 हैं और B कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे। कितना होता? 1। तो ये लगा देते। तो आपका आंसर आ जाता ए बी एक है, बी बी एक है, ए बी आंसर हो जाता। लिख लीजिएगा, हो रहा है क्लियर?
तो ये फार्मूला इस काले क्वेश्चनों को लगाने के लिए होता है। फिर सुनिए, अब इस पर आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में, क्वेश्चन नंबर टू, वो ये कह रहा है कि आपके पास इफ थ्री एलिमेंट पी क्यू आर, ये तीन एलिमेंट है, इसमें से जो पी एटम है ये कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का फार्मूला क्या होता है, ये कॉर्नर में कितने होते हैं, एट। क्यू वाला एटम जो है वो क्यूब के सेंटर पे है, बॉडी सेंटर, तो बॉडी के सेंटर पे क्या होता है, वन। और आर जो है वो आपको दिया एजिस पे, तो एजिस का फार्मूला क्या होता है बताइए, कितने होते हैं एजिस में, ट्वेल्व। तो ये आ गया वन, ये भी वन, ये आ गया थ्री, तो आंसर आपका ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर आते हैं, क्लियर है, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, उसमें क्वेश्चन यही है कि एक कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी, ए कहां पर है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर का फार्मूला ये लगा दीजिएगा। लेकिन कह रहा है जो बी है वो कहां पर है, फेस पर, तो फेस पे सिक्स होते हैं, लेकिन कह रहा है दो इसमें से एटम मिसिंग हो गए, तो फार्मूला तो यही लगाओगे फेस के लिए, लेकिन छह में से दो मिसिंग हैं, तो चार रह गए, तो ए वन आ रहा है, बी टू आ रहा है, आंसर ए बी टू हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है फेस पर छह दे रखे हैं, दो मिस हो गए तो चार रह गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इन तीन क्वेश्चनों से, लिख लीजिएगा। लिख लिया, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है कि आर और ए में क्या रिलेशन है, आर होता है रेडियस ऑफ द एटम और ए होता है यूनिट सेल का एक साइड, जिसको हम सेल एज बोलते हैं, ये इसकी जो साइड है इसको कहते हैं सेल एज, और जो हर कॉर्नर में एटम है इसका रेडियस जो है वो आर है। तो ये रिलेशन प्रूफ किए गए हमें, तो डायरेक्ट याद रखनी, ये है सिंपल क्यूबिक, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये लिख लीजिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, एक तो ये याद रखिए आप। दूसरा, आपको इसमें हम एक फार्मूला बता रहे हैं, लिख लो कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर कभी निकालने हो किसी क्रिस्टल में और वेट गिवेन हो, क्वेश्चन में वेट गिवेन हो, तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो, ये मोल है ये एवोगैड्रो है, इससे टोटल एटम आ गए, इसको आप एक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं जेड उससे डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल मालूम पड़ जाएंगे। बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, अगर एटम है और जेड से डिवाइड कर दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत क्वेश्चन निकलेंगे हमारे, है ना। तो आप एक इसको याद रखिए, एक इसको याद रखिए, इन दोनों पर बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, देखिएगा।
तो कैसे करेंगे क्वेश्चन वो सिखाने जा रहे हैं आपको। लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे कह रहा है कि सोडियम जो है क्रिस्टलाइज इन BCC यूनिट सेल। अब आपको BCC बोल दिया तो अपने आप समझ लेना Z2 है। आपको मालूम ही है Z1, 2, 4, ये होता है सिंपल क्यूबिक, ये BCC, ये FCC, ये प्रूव करके आपको थ्योरी में बताए गए हैं, याद रखने हैं आपको। तो कह रहा है सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC यूनिट सेल, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक वेट पेपर में गिवन होगा। अब देखो आपको मास दिया है और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, तो आपको हमने रेडीमेड फार्मूला बताया है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का, क्या होता अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालिए इनटू एवोगैड्रो टोटल पार्टिकल आ गए, इसको जेड से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वेट दिया है इतना, वेट किस में रखना है ग्राम में, एटॉमिक वेट ये रहा। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सब जानते हैं और बीसीसी का जेड क्या होता है 2, आंसर आ गया आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना। हो रहा है क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है ये गोल्ड है, गोल्ड जो है क्रिस्टलाइज इन FCC क्यूबिक सेल या यूनिट सेल FCC, तो Z मालूम पड़ गया आपको 4 होता है, और R और A का क्या रिलेशन होता है FCC के लिए, फार्मूले टिप्स पे रहने चाहिए। तो ये मुझे दिया हुआ है और इसकी एटॉमिक रेडियस ये गिवन है 0.144 नैनोमीटर, ये गिवेन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, लेंथ मतलब सेल एज, इसको लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कहते हैं, ए निकालना है। अब आर दिया हुआ है, ए निकालना है, तो ए निकाल लो आप, कितना आ गया बताइए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, नैनोमीटर में दिया है तो ये आंसर भी नैनोमीटर में आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? तीसरा टाइप, टाइप थर्ड, लिखिए डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी। तो इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है, हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ये इसका फार्मूला है। इससे डेंसिटी जो आएगी वो आएगी ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड हमें मालूम है, एम मॉलिकुलर मास है, ए हमको जो सेल एज है, ध्यान रखना ये हमको पिकोमीटर में रखनी है, पिकोमीटर में है ना, एक पिकोमीटर को हम माइक्रो माइक्रोमीटर कहते हैं, मतलब 10^-12 है ना। और अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो ये याद रखिए इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर, बस ये आपको ए पिकोमीटर में रखना है हमेशा, ए एवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी के एक बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो इससे सॉल्व हो जाएंगे।
कैसे होंगे लिख लो, फिर बताता हूं आपको। लिखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स आपसे कह रहा है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग अ एफसीसी यूनिट सेल, एफ सी सी विद एज जिसको आप ए बोलती हैं, ये दिया है 200 पिकोमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, डेंसिटी निकालिएगा इफ 200 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 24×10^23 एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फार्मूला लगा दीजिए आप। देखिए कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले चीज को सोचिए, डेंसिटी निकालनी है। अब बताओ एफ सी सी का जेड कितना होता है, 4 है ना। ए सेल एज है वो मुझे गिवन है, पिकोमीटर में ही रखते हैं तो रख दिया पिकोमीटर में। एवोगैड्रो की वैल्यू हमें मालूम है, सारी कलाकारी है, ये कैसे निकालोगे। इधर आ जाओ इस वाली लाइन से। आप सब बच्चे जानते हो कि एवोगैड्रो के बराबर जो एटम होते हैं इतने, इनका वेट मॉलिकुलर वेट कहलाता है। तो आप कहेंगे इतने एटम का वेट तो ये दिया हुआ है, तो बताइए इतने एटम का वेट कितना होगा। यूनिटरी मेथड लगा दो, इतने एटम का वेट तो इतना है, तो बताओ इतने एटम का वेट कितना होगा। ये जो आएगा 50, यही मॉलिकुलर वेट है, क्योंकि इतना एटम मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वेट ही तो मॉलिकुलर वेट होता है। तो इतने एटम का वेट दिया है, तो आप इसके एटम का वेट निकाल लो, 50 आ गया, बस यही मॉलिकुलर वेट आंसर आ गया। तो ये थी कलाकारी वाली लाइन कि आपको दिया है इतने एटम का वेट इतना है, तो एवोगैड्रो के बराबर एटम का वेट निकाल लो, उसी को मॉलिकुलर वेट कहते हैं, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, डेंसिटी के बाद क्वेश्चन आते हैं रेडियस रेशो के। तो ये है टाइप 4 रेडियस रेशो। इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको टेबल याद रखनी है, तो यहां लिख लो सबसे पहले। रेडियस रेशो होता है कैटाइन की रेडियस अपॉन एनाइन की रेडियस, इनका रेशो कहलाता है रेडियस रेशो। और जितना ज्यादा रेडियस रेशो होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। जैसे इसकी रेंज है ना,
एक और बना दे रहा हूं यहां पर, ऐसे बना दे रहा हूं, रेडियस रेशो, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां पर ज्योमेट्री जियोमेट्री। तो अगर ये टेबल याद नहीं हुई तो न्यूमेरिकल भी नहीं निकलेंगे। तो इसका होता है इससे अगर लेस हो या 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, इससे 0.732, इससे 0.99 और इससे 1। कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे जैसे रेडियस रेशो बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12। याद रखना इसकी ज्योमेट्री या शेप होती है लीनियर, इसकी ट्रेंगुलर प्लेनर। प्लेनर चार वाले की टेट्राहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल, इसका बीसीसी, इसका सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए अगर इसके न्यूमेरिकल करने हैं तो, है ना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो, देखिए क्वेश्चन है, लिखो, इफ रेडियस ऑफ एन ए प्लस इक्वल टू 95 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ सी एल माइनस इज 181 पिकोमीटर। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ NaCl, मतलब दोनों कैटायन और एनायन का रेडियस दे देगा और ये पूछेगा। तो सबसे पहले आप रेडियस रेशो निकाल लो, क्या फार्मूला होता है ये, कैटाइन की रेडियस ये रही, एनाइन की ये रही, इसे सॉल्व कर लो। और मान लो, मैंने मान लिया है कि डिवाइड करने पर मान लो इतना आ रहा है, तो बताओ ये रेडियस रेशो की रेंज है, ये 0.5 कहां आएगा इसके बीच में। तो आपका आंसर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो पहले रेडियस रेशो निकाल लो, इस टेबल से मैच कर लो कि 0.5 आ रहा है इस रेंज में, तो ये इसके आंसर हो गए। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर बनते हैं, लिख लीजिएगा। लिख लिए, चलिए एक वैरायटी इसमें और दिखाते हैं आप, वो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। कह रहा है ब्रोमाइड आयन फॉर्म आ सीसीपी स्ट्रक्चर, ये कह रहा है, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन इक्वल टू 195 पिकोमीटर, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटाइन दैट जस्ट फिट इंटू द टेट्राहीड्रल
होल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये शब्द पे ध्यान दीजिए, जस्ट फिट। देखो जैसे कोई आपके पास एक पाइप बनाया जाए इरेगुलर सा, तो अगर इसमें जस्ट फिट बोले तो आप जस्ट फिट अगर बोल दे तो आप इसकी लोअर लिमिट ले लेना, लोअर लिमिट। और अगर वो बोले हाउ लार्ज तो आप इसकी अपर लिमिट ले लेना। मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ब्रोमाइड आयन आपको दे रहा है रेडियस, नेगेटिव की रेडियस दे रहा है, और कैटाइन जो पॉजिटिव होता है उसकी रेडियस पूछ रहा है, और आपसे कह रहा है कि ये जस्ट फिट हो रहा है टेट्राहीड्रल होल में। तो बताइए टेट्राहीड्रल की ये रेंज होती है नहीं होती है? और इसमें बोल रहा है जस्ट फिट, मतलब लोअर लिमिट आपको ये वाली इसके बराबर रख देनी है, तो यहां पर आपको ये रख देना है। अगर यहां बोल देता हाउ लार्ज तो आप टेट्राहीड्रल की हायर लिमिट लेते, यहां रख देते। जस्ट फिट में लोअर लिमिट रखना है, जिसके लिए भी बोले टेट्राहीड्रल होल तो ये वाला, अगर ऑक्टाहीड्रल होल बोलता तो ये ले लेता लोअर लिमिट। तो जस्ट फिट में लोअर लिमिट को इक्वेट करना है और हाउ लार्ज में अपर लिमिट को इक्वेट करना है। अब आपको देखो बी आर की रेडियस दी हुई है, ये कैलकुलेट कर लो बस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, ये ध्यान रख लेना, आप लिख लीजिएगा। लिख लिए, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सवाल दिखा रहे हैं। टाइप फाइव में आपको जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो पूछ लिया जाता है पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर। पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला है कि पूरे यूनिट सेल में, कमरे में एटम ने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है ना। तो आप लिख लो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन 200। ये इसको निकालने का तरीका है। जैसे मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एफसीसी की, तो बताइए एफसीसी का जेड कितना होता, कितने एटम होते हैं इसके अंदर? चार। तो आप क्या करेंगे, ऊपर चार एटम बताओ, एक एटम जो होगा अगर उसका रेडियस आर है तो एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये। और यूनिट सेल जो होता है ये क्यूब, अगर इसकी एक साइड सोचिए ए है तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, साइड इनटू साइड इनटू साइड इनटू 100। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का जर्नल फार्मूला है, जर्नल। मान लो आप कर रहे हो एफसीसी की बात, तो बताना थोड़ी देर पहले बताया था एफसीसी में आर और ए में क्या रिलेशन होता है ये। तो जैसे ही आप आर की जगह ये पुट करेंगे और सॉल्व कर दो, ए काट दो, तो आंसर ये आ जाएगा। अब आप बताओ पूरे यूनिट सेल में, ये कमरा है इसमें एटम ने जगह ऑक्यूपाई कर ली है, तो जो खाली स्पेस बचता है उसको वॉइड कहते हैं। तो वॉइड कैसे निकाली जाती है, 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 26%। तो अपने दिमाग में पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या याद रखना है हमें, ये फार्मूला याद कर लो रेडीमेड।
जेड मतलब बीसीसी हो तो दो रख दो, एफ सिंपल क्यूबिक हो तो वन रख दो, ये टोटल वॉल्यूम है इन 200। ये पैकिंग फ्रैक्शन का रेडीमेड फार्मूला है जो सब में अप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। अब इसमें आप क्या करो, एक टेबल बना लो, सिंपल क्यूबिक ये है पैकिंग फ्रैक्शन, यहां लिख लो सिंपल क्यूबिक, ये पैकिंग फ्रैक्शन है, ये वॉइड है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो ये आता है। एफ सी सी का अभी अभी प्रूफ करा है परसेंटेज, और बी सी सी का होता है 68%। तो इसे 100 में से माइनस करते जाओ तो बताइए ये आपके पास वॉइड आ जाएगी नहीं आ जाएगी। प्रूव कर दिया मैंने, इसका मतलब एफ सी सी का पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, फिर बी सी सी का है, और फिर सिंपल क्यूबिक का। ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हो रहा है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बता दिया है, हो गया क्लियर। चलिए इस पे वैसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, प्रूव करवाएगा। टाइप सिक्स देखो, दो रिलेशन याद रखनी है आपको, ये इंटर एटॉमिक रेडियस है।